अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अजब दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पुरसरार मकाम के मुतलक बताएंगे जहां दिल दहला देने वाले वाक़यात वकूफ़ पज़ीर होते हैं, जहां कुछ गैर फितरी ताकतों का बसेरा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच सकें। दुनिया के खौफनाक मकामात में से एक कोह-ए-चिल्तन है, जो पाकिस्तान के शहर क्वेटा में वाक़या है। दुश्वार गुजार रास्तों और खुश्क पथरीला पहाड़ होने की वजह से यह बहुत खौफनाक तसव्वुर किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक शादीशुदा जोड़ा रहता था जिनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत गरीब थे। एक दिन औरत एक मुकद्दस शख्स के पास गई और उसे बताया कि वो साहिब औलाद नहीं है और वो इसकी मदद करे। लेकिन उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो इसे कैसे औलाद अता कर सकता है जबकि उसे अल्लाह ने औलाद अता नहीं की। लेकिन उस बुज़ुर्ग के बेटे ने उसे 40 कंकरियाँ दीं और औलाद की दुआ दी। वक्त गुज़रने के साथ साथ उस औरत ने 40 बच्चों को जन्म दिया। बाप बहुत बूढ़ा था। वो 39 बच्चों को लेकर चिल्तन पर चला गया और उन्हें अल्लाह के भरोसे चिल्तन पर छोड़ दिया और एक बच्चा जो बहुत छोटा था उसे अपने पास रख लिया। कुछ अरसा बाद शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि बच्चे मर चुके होंगे और उसे चिल्तन पर जाने और बच्चों की हड्डियाँ जमा करने को कहा। बीवी अपने छोटे बच्चे को लेकर जब चिल्तन पहुंची तो हैरान रह गई कि बच्चे वहां मौजूद थे और खेल कूद में मसरूफ थे। उसने अपने छोटे बच्चे को भी वहीं छोड़ा कि सुबह सब बच्चों को साथ ले जाएगी। अगले दिन जब सुबह वहां पहुंची तो वहां कोई बच्चा ना मिला। कहा जाता है कि वो बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो इसके बच्चों की रूहें थीं जो इसके छोटे बच्चे को भी साथ ले गई थीं, और उसके बाद उसका छोटा बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। इसी वजह से इस पहाड़ को चिल्तन कहा जाता है। वहाँ के रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यहाँ एक छोटा सा बच्चा नज़र आता है जो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है और गायब हो जाता है। अक्सर यहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ एक सूखा दरख्त है जिस पे अक्सर सांप को लटके देखा गया है। इस पहाड़ ने इंसानों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो कुछ इस पहाड़ से मंसूब है वो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।